हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम रहमान अनवर। और मैं हूँ मोहम्मद सईद। और मैं हूँ जफर इकबाल। और भाई, देखने जा रहे हैं एपिसोड 208 का पहला पार्ट, तो देखते हैं भाई। तो अब जैसा आपने पिछले पार्ट में देखा भाई, अब पार्वती जी सीख रही हैं भाई आहिस्ता आहिस्ता। बाकी आगे करते वीडियो स्टार्ट और देखते भाई। आसुर पिताजी, मछली पकड़ने की कला के बारे में आप कब बताएंगे? अभी इसी क्षण। सर्वप्रथम ये ज्ञात रहे कि मनुष्य का मन और मछली के व्यवहार में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य का मन जितना चंचल होता है उतनी चंचलता मछली में भी होती है। यही कारण है कि वो चंचला के नाम से भी जानी जाती है। इसलिए अपने मन को जो नियंत्रित कर सके वही कुशल मछुआरा बन सकता है। एकाग्रता ही इस कला का प्रथम चरण है। निंद्रा और आलस्य हमारे सबसे बड़े शत्रु। तो मैं निंद्रा और आलस्य को पराजित कैसे करूंगी? मन और चित्त दोनों को केंद्रित करने के पश्चात ही ये संभव है। मैं इस कला को शीघ्र सीख लूंगी। किंतु मैं अपने मन को एकाग्र कैसे करूंगी? शिवोहम। शिवोहम? शिवोहम इसका अर्थ है मैं शिव हूँ। लेकिन मैं तो मत्स्या हूँ। लेकिन अपने आप को भूलकर मैं शिव हूँ का जाप करके स्वयं को शिव में विलीन करना होता है। शिव में क्यों? क्योंकि शिव ही एकाग्रता की पराकाष्ठा है। जब तुम उनका जाप करोगी तब समझोगी मैं क्या कह रहा। तो आरंभ करें। शिवोहम। 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 प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। आपसे क्या छिपाए प्रभु? मैंने और मेरे पति ने कोई अधर्म का कार्य नहीं किया है। सत्य को आप ही प्रत्यक्ष कर सकते हैं प्रभु। हम पर कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। ऋषि गौतम, ऋषि गौतम, अच्छा इन्होंने कोई ये वो थे भाई। प्रजा के धर्म का भ्रष्ट कर दिया है तुमने। वो काया तो बाहर निकल ही नहीं रहा है। नहीं निकलता तो ध्वस्त कर दो इसके आश्रम को। रुक जाइए, रुक जाइए। वो ऐसा कदापि नहीं कर सकते। वो ऐसा कदापि नहीं कर सकते तो क्या मैंने किया है? हाँ जी, हुआ क्या? किया है। तुम और तुम्हारा पति पापी है, धूमी है, पखंडी है। चलो हटो मेरे मार्ग से। ओ यार, इसको ऋषि गौतम, ऋषिवर, मेरी पत्नी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्या कारण है? ऋषि पीताम्बर, शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा पाखंडी। अपने पापों का दंड भुगतने के लिए तैयार हो जा। ले चलो इसे यहां से।
ले चलो मेरे स्वामी को, मैंने कुछ नहीं किया है, छोड़ दीजिए मेरे स्वामी को, छोड़िए, छोड़ दीजिए, छोड़िए, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, मैं हमसे भी नहीं करती, छोड़ दीजिए, छोड़िए, छोड़िए मेरे स्वामी को। ओ ये वाणी तो मेरे परम भक्त ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या की है। छोड़ दीजिए मेरे स्वामी को, छोड़िए, मैं कोई अपराध नहीं किया, छोड़ दीजिए, छोड़ो, स्वामी, स्वामी, चिंता मत करो अहिल्या, अहिल्या, हमारे महादेव हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। यही है आपका अपराधी, किसी ने इस पवित्र कुंड के जल को अपवित्र किया है। अच्छा अच्छा, हमारी वर्षों की तपस्या को भ्रष्ट करने का षड्यंत्र रचा है इस ऋषि गौतम ने। सत्य है, यही पापी है। नहीं, मैं दोषी नहीं हूं, मैंने कोई दुष्कृत्य नहीं किया है। क्या आज तक किसी अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार किया है? जो तुम मानोगे, लेकिन तुम्हारे अपराध का साक्षी तो ये कुंड है। इसके लिए तुम दंड के अधिकारी हो, लेकिन तुम्हारा दंड क्या होगा इसका निर्णय त्रिम्बकवासी करेंगे। मृत्यु। सुना तुमने, मृत्यु दंड तुम्हारे अपराध के लिए मृत्यु दंड भी कम है। यदि मैं निर्णय लेता तो पत्थर मार मार के तुम्हें मृत्यु प्रदान करता, कदाचित इनमें वो साहस नहीं है। हाँ हाँ भाइयों, ऋषि पितांबर का विचार उचित है। यार ये बंदा खतरनाक है, को तो मार मार के मृत्यु दंड देना चाहिए। ओ तेरी, क्या बात है। परेशान हो ए अघोरी, ओ अघोरी, ये पापी है, पाप किया है इसने, और हम इसे इसका दंड अवश्य देंगे। हम देंगे दंड, देंगे दंड, हम दंड देंगे, हम देंगे दंड। कौन कहता है कि ये पापी है? बोलो भाई, जाओ जाओ अघोरी, जाके शमशान में अपनी धूनी रमाओ। हमारे कार्य में हस्तक्षेप करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। अभी पता चलता है, इसका अंत हमारे हाथों ही होगा। जो त्रिम्बकवासियों, यदि ये वास्तव में पापी है तो इसे पत्थर मार मार के मृत्युदंड दे दो।
किंतु याद रहे, जो पत्थर इसकी ओर फेंका जाएगा वही पत्थर फेंकने वाले की तरफ दुगनी तीव्रता से आएगा। ओह फेंको फेंको, अब ट्राई करो। मारो इस दीवाने को, हैं? मारो शिवी अपना खड़े हैं। ये नहीं आ मारेगा, कोई तो एक्सपीरियंस करे ना एकदम। क्या एक अघोरी के कदम से तुम लोग डर गए हो? मूर्ख अघोरी नहीं है। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? ये वही है सूरज। कोई तो यार ट्राई करो। इसमें तो साहस है। हे ओहो, तैयार हो जा भाई। तीन दुगना ए, तीन दुगना। ओए होए ये बेचारा निशान। भाग अब ए, ओ भाग गया। ओ अब बेचारा भाग रहा है यार। देख लो कि ये इस, अच्छा ये असुर था जिसने ये सारा गेम या चाल रची है, जिसकी वजह से ये भाई काम हुआ, जो रात के अंधेरे में आकर जिसने पानी में बाबा था वा, जो इधर खड़ा हुआ है बाबा जी यार, जिसने रात को पानी में फेंका था ना, वो कोई और बंदा था, यही बंदा था तो जिसने, हम भी यही बोल रहे हैं, रात वाला यही बंदा था, यही मैं भी भाई बोल रहा हूँ। असुर की हालत में ब्लैक कपड़े इसने भाई पहने हुए थे, जैसे वो पहन कर आते हैं वही थे, लेकिन इन्होंने खुद फेंक के आप देख लो कि भाई सारा एक गेम रचा कर और एक देख ले कि भाई ऋषि गौतम पर फेंक रहे हैं। ऐसे लगा था कि असुर है और एक पार्वती जी जा रही है नदी में एक मछली पकड़ने, तो शायद उधर कोई मतलब के ये चीजें एक करें या एक तारकासुर को पता चल गया, लेकिन बाद में पता चला ये तो भाई मसला कोई और ही था, एक महर्षि का भाई मसला था और उनको भाई ये तंग काफी कर रहे थे और इधर इनको लाकर इधर इनकी मृत्यु एक देना चाहते थे, लेकिन महादेव जी भी देख रहे थे हर चीज। बिल्कुल ऐसे लेकिन ही है कि भाई पार्वती जी ने एक स्टार्ट तो कर दिया है कि मतलब किस तरह मछली पकड़ते हैं और कितना उसके ऊपर जो है ना कंसंट्रेशन जो है ना वो इम्पोर्टेंट होती है, उसके लिए उन्होंने वर्किंग एक किस्म की स्टार्ट कर दी और उसके ऊपर उनके पिताजी ने ज़रूर बताया कि आपने जेन में जो है ना वो शिवा जी को जो है ना वो रखना, महादेव जी को रखना है, तब जाके जो है ना वो सफलता होगी आपको। लेकिन ये कि पत्थर मारने वाला, लेकिन ये जो पत्थर वाला सीन है ना ये काफी देखने अघोरी लेकिन ये क्या पता चलेगा कि इस इन्होंने क्या मतलब क्यों इसके खिलाफ है, जहरी बात है खिलाफ हैं तो तब जाके ऐसा स्टेप लिया है ना, लेकिन ये क्या आप देखते हैं आगे। बिल्कुल भाई, लेकिन एक दफा तो बच गए बीमार जी आ गए। हाँ देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।